साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि राज ठाकरे एनडीए में जा सकते हैं और इस चर्चा को पंख उस वक्त लगे जब बीजेपी के प्रमुख आशीष सोलार और राज ठाकरे के बीच बैठक हुई और बड़ी बात यह है कि ये बैठक राज ठाकरे ने अपने घर में आयोजित की, जिसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी राज ठाकरे एनडीए में जाने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। अब इसी बीच इस बड़े ऐलान से पहले राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, राज ठाकरे ने ईवीएम पानी और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बोलती बंद कर दी। तो क्या कहा राज ठाकरे ने, कैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार को खरी खोटी सुनाई और क्या वाकई में राज ठाकरे एनडीए में जा रहे हैं? क्या उनका ये बयान इस बात को कंफर्म कर रहा है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा गर्मी है। फरवरी में पानी की किल्लत पूरा महाराष्ट्र झेल रहा है। अब पानी की किल्लत को लेकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज ठाकरे ने राज्य की सियासत को लेकर कहा कि मैंने महाराष्ट्र में राजनीति की वर्तमान स्थिति कभी नहीं देखी। अब लोगों को उन्हें न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये सोचते रहेंगे कि हमारे पीछे कोई नहीं है और अगर समय रहते जनता ने सही कदम नहीं उठाया तो महाराष्ट्र की राजनीति और भी डूब जाएगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में फरवरी के महीने में पानी की हालत बेहद ज्यादा खराब होती जा रही है। कई हिस्सों में सूखा पड़ चुका है, लेकिन इन सब पर लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि जाति का सहारा लिया जाता है। उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि वो सत्ता में 2.5 साल तक रहे, मगर इन दिनों में उन्होंने पानी की किल्लत पर काम करने के बजाय सिर्फ जातिवाद का गेम खेला। कैसे मराठियों को लुभा ले, कैसे हिंदू वोट मिल जाए और कैसे मुसलमानों को पटा। अरे भाई, पानी खत्म होता जा रहा है और ये 2.5 साल सिर्फ जाति और वोट बैंक का गेम खेलते रहे। राज ठाकरे ने कहा कि अगर नई सरकार पानी पर कुछ करना भी चाहती है तो उनकी टांग खींचने में भी उद्धव ठाकरे पीछे नहीं रहते। इसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहने का तो जैसे चलन पड़ चुका है। जो लोग शिवाजी महाराज के नाम से मुंह बनाते थे उन्हें योद्धा तक नहीं मानते थे, वो भी शिवाजी महाराज की जय कहने लगे हैं। यहां राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेने वाले शरद पवार को आज उनकी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शायद इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो उनका नाम लेंगे तो मुसलमानों के वोट कट जाएंगे और अब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है। वो अपने भाषण में शिवाजी महाराज की जय कह रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया, मराठियों के वोट लेने के लिए अब शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं। इसके बाद ईवीएम के मुद्दे पर राज ठाकरे ने कहा कि अब देखना, जो पार्टी चुनाव जीतेगी तो दूसरी पार्टी अपनी गलत रणनीति को दोष देने के बजाय ईवीएम को दोष देगी। राज ठाकरे ने कहा, हारने वाली पार्टी अब देखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगी। ईवीएम को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि अगर उन्हें शक है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करवा लेते हैं। मेरा सवाल है कि अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान हो रहा है तो भारत में भी मतपत्र से करवा लो, फिर भी जीतेगी तो वही पार्टी जिसकी रणनीति और राजनीति दोनों सही होगी। जाति जाति खेलने वाली पार्टी को जनता अब वोट नहीं देने वाली। आपको यहाँ बता दें कि राज ठाकरे ने ये सारी बातें लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर के अपने दौरे के तहत कल्याण में कही। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ ईवीएम और पानी बल्कि राज्य की सियासत और कई दूसरे मुद्दों पर भी अपना बयान दिया। दरअसल पिछले दिनों से खबर आ रही है कि राज ठाकरे एनडीए में जा रहे हैं, उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में एनडीए को सपोर्ट करने जा रही है और इसके लिए राज ठाकरे ने अपने शिवाजी पार्क स्थित घर में बीजेपी के प्रमुख आशीष सोलार से काफी देर तक मीटिंग भी की थी। माना जा रहा है कि सभी मुद्दों पर राज ठाकरे की बात बन चुकी है, बस सीटों को लेकर राज ठाकरे फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं और जिसके बाद वो ऑफिशियली एनडीए में जाने का ऐलान कर देंगे। और राज ठाकरे का उद्धव और शरद पवार पर दिया गया ये बयान इस बात को कंफर्म करने के लिए काफी है कि राज ठाकरे वाकई में एनडीए में जा रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने पानी की किल्लत पर उद्धव की सरकार को दोषी ठहराया, जबकि अब तो एकनाथ शिंदे की सरकार है, मगर राज ठाकरे ने उद्धव के 2.5 साल पर सवाल उठाए, न कि वर्तमान सरकार पर। यानी कि राज ठाकरे ने कंफर्म कर दिया कि वो एनडीए में जा रहे हैं। तो आपका राज ठाकरे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या राज ठाकरे को एनडीए में जाना चाहिए और क्या राज ठाकरे ने जो उद्धव और शरद पवार पर सवाल उठाए हैं वो सही है या गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।